कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में शहर के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में हुडकेश्वर के अंतर्गत आने वाली धनगौली नगर के अद्वैत सामाजिक संस्था की ओर से अनाज का वितरण किया जा रहा है। शहर के ज्येष्ठ प्रेस फोटोग्राफर राजेश टिकले और शुभम जगताप तथा तमाम मित्रगण आदि के हाथों से जरूरतमंदों को खाना बांटा गया। अलग अलग परिसर के लोगों ने इस अनाज का लाभ लिया है। शहर में जब से लॉकडाउन लग चुका है, लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में शहर के ऐसे बेसहारा और जरूरतमंदों को भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे लोगों के लिए शहर के कुछ ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, जो ऐसे बेसहारा और जरूरतमंदों को अनाज का वितरण एवं खाने का पैकेज दे रही है। जी हम बात करने जा रहे हैं हुडकेश्वर परिसर के अंतर्गत आने वाले धनगौली नगर में, जहाँ पर अद्वैत सामाजिक संस्था धनगौली नगर हुडकेश्वर की ओर से संस्था के पदाधिकारी द्वारा हुडकेश्वर के अंतर्गत आने वाले धनकौली नगर में वैष्णवी माता नगर, दौला मेटी ग्राम पंचायत, विठल नगर, टुकड़जी पुतला, कुकड़े लेआउट आदि जगह अनाज किट का वितरण किया गया। अनाज वितरण का प्रोग्राम 26 मार्च से लेकर अब तक के जारी है और अब तक 2500 जरूरतमंदों को खाना और खाने की किट बांटी गई। संस्था की ओर से दिहाड़ी कामगारों को रोजाना भोजन दिया गया। दिहाड़ी कामगारों को भोजन देने का और अनाज की किट देने का काम जारी है। इस संस्था से हमको एक महीना करीब हो गया खाने को मिल रहा है और पेशेंट के लिए सूजी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, हम एमपी के रहने वाले हैं, तो पेशेंट को लेके आए थे। हमारे को ये सामाजिक संस्था से खाने का पूरी व्यवस्था हो रहा है। पेशेंट के लिए सूजी दाल सब हो रहा है, यहीं से पूरे व्यवस्था कर रहा है। बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग को दे रहे हैं सेवा। दिलीप कटरे, बालाघाट, एमपी हिरवटोला। मेडिकल गए सर, वहाँ इलाज नहीं हो रही है। वहाँ से आपस हो गए तो खाने की व्यवस्था नहीं था, तो सर वगैरह से व्यवस्था मिली है हमको रहने के। रूम हमारे मौसी रहती यहाँ खदान के, वहाँ पे रह रहे हैं, रहने दे रही है, किराए नहीं ले रही है। जहाँ बड़ों के लिए खाना है, तो वहीं छोटे बच्चों के लिए शिशु आहार दिया जा रहा है, जिसमें दूध और बिस्किट अद्वैत सामाजिक संस्था के पदाधिकारी और अद्वैत सामाजिक संस्था के पदाधिकारी की ओर से दिया जा रहा है। इस बारे में शुभम जगताप और शहर के ज्येष्ठ छायाचित्रकार राजेश टिकले, इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति और समाज प्रबोधन का काम हर तरफ चल रहा है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में, लेकिन जो लोग घरों में है, ऐसे कई लोग है जो बेसहारा और जरूरतमंद है, और उन लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत पे आ पड़ी है। ऐसे समय में शहर के कुछ ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो इनके कामकाज आ रही है। जी हम बात करने जा रहे हैं हुडकेश्वर के अंतर्गत आने वाले धनगौली नगर में, जहां पे अद्वैत सामाजिक संस्था की ओर से, आप हमारे पीछे में ये जो कतारें जो लगी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों ने रखा है, ये अनाज लेने के लिए यहाँ पे आए हुए है। अद्वैत सामाजिक संस्था ये हर वर्ष कोरोना वायरस है के चलते ये कामकाज नहीं, लेकिन उससे पहले भी कई ऐसा इन्होंने दान का कार्यक्रम किया है, जैसे फिर ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो या हो फिर अनाज वितरण का, कीट वितरण का, कई सामाजिक कार्य में इन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे अद्वैत सामाजिक संस्था के पदाधिकारी हमारे साथ में आइए, उनके पास चलते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक की उन्होंने कितने किटों का वितरण किया है और वे लोगों को क्या सहायता करने जा रहे हैं। इस समय में हमारे साथ जगताप है, जगताप से बात करेंगे। जगताप जी, ये बताइए, जिस तरह से अद्वैत सामाजिक संस्था जो कामकाज कर रही है, क्या कहना चाहोगे आप? अद्वैत सामाजिक संस्था आम्ही मागच्या कितीतरी वर्षांपासून तीन गोष्टींवर काम करतो आहे। ही संस्था आम्ही स्थापन करण्याचे उद्देश एकच होते की प्रत्येक महाराष्ट्र राज्यात असो की आपल्या भारतातलं आणि नागपुरातले, मेन करून की आपण त्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा अशा गरीब लोकांना आपण द्यावे, त्यासाठी आम्ही नेहमी सातत्याने पुष्कळ काम कार्यक्रम घेत असतो। जसं क्लॉथ डोनेशन ड्राईव्ह झाला, आम्ही पूर्ण नागपूरमधून यूज क्लॉथ कलेक्ट करत असतो। त्याचप्रमाणे आता ही जी नैसर्गिक आपत्ती इथे आली आहे, त्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपल्या इथे एक पुष्कळसा असा क्लास आहे आणि मजूर लोक आहेत, त्यांना अन्नाची व्यवस्था झालेली नाही, त्यांना खाण्याचे खूप कठीण परिस्थिती झाली आहे। त्यामुळे आम्ही एक आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक निर्णय घेतला आणि तो या निर्णयानुसार मागच्या 26 तारखेपासून आम्ही साधारणतः एक महिना रोज लोकांना धान्याची व्यवस्था करून देतो आहे, जे पुरवठा करतो आहे त्यानुसार आम्ही रोज तिथे 2000 आतापर्यंत सध्याच्या अर्थेत 2000 किलो तांदूळ, 1500 किलो गहू अशा साधा आणि तेल तिकट अशा प्रकारचे एक पूर्ण किट बनवून देतो आहे। आणि साधारणतः एक महिन्यापासून आम्ही आतापर्यंत 2 ते 2500 लोकांना धान्य पुरवण्याचं काम आतापर्यंत केलेलं आहे।
इस समय में लोकमत के वरिष्ठ छायाचित्रकार राजेश हमारे साथ में, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। टिकले साहब, ये बताए कि जिस तरह से ये कामकाज चल रहा है, आप फील्ड पे रहते हो, कैसा महसूस कर रहे हो आज ये अनाज वितरण का जो प्रोग्राम होने जा रहा है? बाकी आपण नेहमी पडद्याच्या मागेच असतो, आपण कधी समोर येत नाही। बऱ्याच संस्था आहे ज्या अन्नधान्याला मदत करतात किंवा कपड्याला मदत करतात, पण आमची अद्वैत संस्था अशी आता, मागच्या वेळी तुम्हाला माहिती असेल जेव्हा आपलं इकडं कोल्हापूरमध्ये वगैरे जेव्हा पूर आला होता, तर तेव्हा त्यांना कपडे पाठवण्याची व्यवस्था पण आपण इथून केली होती, याच संस्थेच्या माध्यमातून आपण केली होती। तर असं कोणतेही काम असलं, सामाजिक काम असलं, तर हे सगळे पुढं येतात आणि या संस्थेमध्ये जे पदाधिकारी आहे ते सर्व वेल एज्युकेटेड आहेत, सगळे मॅक्झिमम इंजिनियर आहेत, सगळे शिकलेले आहेत। तर हे स्वतःचा खर्च करून, कोणाची मदत न घेता स्वतः खर्च करून जेवढी मदत करतात तेवढी मदत करतात। यावेळी आपण बघितलं की असे काही लोक आहे की ज्यांना पकोड्याची गाडी होती, काही याची होती, जे बंद झाले, गॅरेज असो ॲटो असो, ते बंद झाले, तर त्यांचे आता खाण्याचे वांदे झालेले, तर यांना काहीतरी मदत करायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून या सगळे एकत्र आले आणि एक महिन्यापासून आपण सतत यांना धान्य वगैरे देण्याची व्यवस्था केलेली आहे। तो आप थे राजेश टिकले, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये तमाम बातों के ऊपर में उन्होंने रोशनी डाली है। अब हम आपको बता दें कि इससे पहले में शहर में ऐसी भी बात होती थी कि हर कोई खुद के लिए जीता है, लोगों के लिए नहीं जीता है, मगर जब से कोरोना वायरस नहीं, उससे पहले भी कुछ समाज के ऐसे काफ़ी अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं जो खुद के लिए के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना एक जीना समझती है और उनके कामकाज आ रही है, देश की सेवा समझ कर इस प्रकार का कामकाज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए, लॉकडाउन में जो लोग भूखे मरने की उनके ऊपर में जो नौबत आ पड़ी है, उन लोगों को सहायता करने के लिए अनाज का वितरण अद्वैत सामाजिक संस्था के ये तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं। नागपुर के धनगली नगर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।